हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवा आज आपको बहुत सुंदर सा मैं बैग बनाना बताऊंगी। ये बहुत छोटे साइज में मैं बना रही हूँ। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने रबर सीट का यूज़ किया है और पीछे तो मैं कोई पुराना कपड़ा भी यूज़ कर लेती हूँ। आप भी इसी तरीके से घर के जो भी आपके पास यूज़ में नहीं आ रहे हैं कपड़े, तो आप ऐसे बैग अगर बना रहे हो तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने 2-3 सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, तो 11 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नापूंगी, तो लंबाई है इसकी 23 इंची की। तो ये देखो, हमें इस लंबाई की साइड से फोल्ड करना है, तो मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, तो जहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ मैं 1.5 इंची पे लगा रही हूँ। तो निशान मैंने लगा दिया है 1.5 इंची पे। अब देखो, इसमें मैंने गुलाई की शेप दे दी है। गुलाई की शेप जैसे मैंने शेप दी है वैसे इसकी अब मैं कटिंग करूँगी। अब कटिंग में देखो मैंने कर ली है, आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी गुलाई आई है और दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से गुलाई करनी है। तो इसके ऊपर रख के मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। तो ये देखो, दोनों साइड हमने कटिंग कर ली है पीस की। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, तो ऊपर से निशान लगा रही हूँ मैं 2.5 इंची पे। अब 2.5 इंची पे निशान लगा के इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के बराबर की हम चैन ले लेंगे। तो ये देखो, उसके बराबर मैंने चैन कटिंग कर ली है। अब ये अटैच कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, यहाँ पे मैंने कॉर्नर से रख ली है। अब मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है मुझे टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब जो पीस कटिंग किया था इसको अटैच करूँगी इसमें। बिल्कुल सेंटर पे मिला के रखना है हमको। अब ये देखो, मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है इस पर भी हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है इसमें भी। अब चैन हमारी अच्छे से अटैच हो गई है। अब इसमें रनर डालेंगे हम, तो रनर को भी मैंने डाल लिया है। अब पीस को मैंने उल्टा कर लिया है। अब बीच वाले सेंटर से देखो मिला के हमें निशान लगाना है। 2.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। अब जो निशान लगा रही हूँ 2.5 इंची पे, आप देख सकते हो वहाँ पे मैं पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करूँगी। तो इस तरीके से हमें पहले निशान लगा लेना है। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। तो निशान मैंने खींच लिया है और देखो, इस तरीके से मैंने कपड़ा भी ले लिया है पॉकेट के लिए। अब जहाँ जो मैंने लाइन खींची है वहाँ पर देखो, इस तरीके से फोल्ड करके और बिल्कुल चारों ओर से हमें सिलाई इस पर लगा देनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब पीस को मैंने फिर से उल्टा कर लिया है। तो यहाँ पे हमें एक और पॉकेट बनानी है। फिर से हम 2.5 इंची पे ही निशान लगाएंगे बीच वाले सेंटर से मिला के। तो ये देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे सेम तरीके से जो मैंने पहले लगाए थे 2.5 इंची पे। तो यहाँ पे मैं बिना चैन के पॉकेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर कोई एक सिंगल सा कपड़ा मोटा सा मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने दोनों साइड किनारे इसकी फोल्ड कर ली हैं। तो ये देखो, इस तरीके से हमें कपड़े को रखना है और तीनों साइड हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो, तीनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। इस साइड हमारी अभी खुली हुई है, तो यहाँ पे देखो हम बेल्को का यूज़ करेंगे। तो मैंने बेल्को ले ली है। अब बेल्को हमें देखो इस तरीके से एक नीचे की साइड और एक पीस पर रखना है पॉकेट वाली पर। तो ये देखो, मैंने बेल्को इसमें अटैच कर ली है। इस तरीके से हमारी पॉकेट में सामान अच्छे से रखा रहेगा। तो एक अंदर साइड हमने पॉकेट डाल दी है। अब इसकी मैंने ये तनी तैयार कर ली थी, इसमें भी मैंने रबर सीट का यूज़ किया है। 1 इंची की चौड़ाई है। अब मैं आपको इसकी लंबाई बताती हूँ कितनी है। 19 इंची की लंबाई है इसकी। अब ये अटैच कैसे करनी है, इसमें देखो हम पहले बीच में निशान लगाएंगे। तो बीच का सेंटर मैंने निकाल लिया है। बीच में निशान लगाने के बाद यहाँ पर निशान से मैं नाप रही हूँ 2 इंची की गैप में। तो 2 इंची का देखो निशान लगा लिया है मैंने निशान से बीच वाले से। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से हमें तनी को रखना है।
निशान हमारा जो 2 इंची पे लगाया था वो कॉर्नर पे है तनी के, और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों साइड पे हमारे तनी अटैच हो चुकी हैं। अब ये देखो मैंने एक साइड तैयार की थी इसकी, ये ऊपर चैन वाली है, इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो उसकी पहले मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी ली है। तो यहाँ से पहले हमें चैन अटैच करनी है, तो वहाँ तक हम नीले निशान लगा लेंगे इसमें कि हमें कितनी लंबी पट्टी चाहिए। तो ये देखो मैं नाप रही हूँ, तो 15 इंची इसकी लंबाई आई है। ऐसे ही हम पट्टी को भी नाप के आपको बताएंगे कितनी ली है मैंने। तो ये देखो पट्टी की लंबाई है इसकी 15 इंची की। अब मैं आपको चौड़ाई बताऊँगी कितनी है, 4.5 इंची चौड़ाई है इसकी। अब इसको हमें देखो लंबाई की साइड से फोल्ड करना है, बीच में से निशान लगा के कट कर लेना है। तो देखो कटिंग मैंने कर ली है, अब इसी के बराबर की हम चैन लेंगे। तो ये देखो इसके बराबर की मैंने चैन ले ली है, अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, टॉप सिलाई भी लगा ली है मैंने। अब दूसरे वाले पीस को भी मैं अटैच करूँगी इसमें। तो दूसरा वाला पीस की देखो इस तरीके से रख के और टॉप सिलाई लगा ली है मैंने, ये पीस को तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं रनर डाल लूँगी, तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब इसकी एक साइड देखो मैंने तैयार कर ली थी, आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो 10.5 इंची की लंबाई है इसकी, 4.5 इंची की चौड़ाई है जो पीस की थी बड़े वाले की उसी की। अब इसमें से मैं दो पीस कर लूँगी इसके। तो देखो दो पीस मैंने इसके कर लिए हैं। अब इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है दोनों साइड पर। तो दोनों साइड पे हमने अटैच कर लिया है और इस पर भी हमने टॉप सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें इस तरीके से देखो नापना है, बीच वाले सेंटर को देखो पीस को रखना है, बड़ा वाला जो पीस है हमारा यहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिए हैं, अब जो हमने ये पट्टी तैयार की थी इस पर भी निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को देखो इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब तो दोनों पीसों को हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है दोनों साइड सिलाई लगा के। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, अब लगाऊंगी दूसरी साइड पे भी। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से देखो मुझे इस पीस को घुमाना है। तो ऊपर वाले पीस को मैंने घुमा दिया है और पूरे पे गुलाई के तरीके से सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखो इस तरीके से हमने इस पीस पे सिलाई लगाई है, एक पीस हमने इसमें अटैच कर लिया है, अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है। ये देखो कॉर्नर से हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे हम अब सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, अब हमारा ये देखो दोनों साइड इसकी अटैच हो गई है। तो ये देखो हमारे इस बैग में धागे निकल रहे हैं, इसकी फिनिशिंग करने के लिए मैंने पाइपिंग लगाऊंगी इसमें। आप चाहो तो लगा सकते हो, वैसे ज़रूरी भी नहीं है एक बार, पर मैं लगा रही हूँ इसमें इस तरीके से पूरे बैग पे पाइपिंग लगा दूंगी मैं। तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है, इससे हमारा कितना सुंदर बैग लग रहा है। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊँगी। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है, कितना प्यारा हमारा छोटा सा बैग लग रहा है, आपको दिखाती हूँ। बाहर वाली पॉकेट भी हमारी काफ़ी अच्छी है इसकी। अब ये मैं आपको अंदर की साइड खोल के दिखाऊंगी। एक पॉकेट मैंने अंदर की साइड डाली है। तो ये देखो कितना जल्दी बन के रेडी हो गया, और बहुत इसका आसान तरीका था बनाने का, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, आप इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हो। इस बैग को ज़रूर बना के देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।